अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सब सर्व कर रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है ना? थैंक यू सो मच बेटा। झूठ बोलू तो मेरी ब्यूटी चली जाए, आज तो मजा आ गया। महारानी खुद प्रजा के साथ बैठी है। महारानी ने सुन लिया ना, दीदी ने सुन लिया ना, तो सच में प्रजा बना देगी। वो बात रखो और चुपचाप पराठे खाओ, तुम बोरिंग हो। राज, वो दादी मुझे अपनी दादी के लिए भी नहीं रुकेगा। पोहा और पराठे बनवाए हैं, दोनों तेरी पसंद के हैं, क्या खाएगा बता? पांच में साल हो गए आपके हाथों के पराठे। हाँ नहीं 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 पराठे खाऊंगा मैं तो। ये डालो दही। अरे इंतजार किसका कर रहे हो, शुरू करो। तुम लोग क्यों खड़े हो, तुम लोग भी बैठो। देवा, अरे तुम भी बैठो, आओ। पहले आप सब खा लीजिए, हम उसके बाद खा लेंगे। अरे बाद में क्यों खाओगी, साथ में बैठकर खाओ, चला जाओ। I'm sorry, पापा जी, पर नौकरों को अपने साथ टेबल पर बैठा कर खिलाना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब आज हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाएंगे और कल को हमारे सर पर बैठकर नाचेंगे। पापा जी, ये श्रुति राज की वाइफ है। ओ, अच्छा अच्छा। राज की पत्नी हो, मतलब हमारे खानदान की बहू। आज तुम पूजा में नहीं आई थी ना, माफी चाहता हूँ कि कल जैसे हालात थे तो परिचय नहीं हो पाया। अच्छी बातें कर लेती हो।
पहले ये तो देख ले कि जिसके पैर छूने जा रही है वो इस इज्जत के लायक है भी या नहीं। राज, क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? रहने दो मां, कम से कम इतना तो पता चला कि साहबजादे को इंसानों की पहचान करना आ गया है। वो तो मुझे बहुत पहले ही हो गई थी। राज, बस कर। पापा से ऐसे कोई बात करता है? राज की तरफ से मैं माफी मांगती हूं आपसे। वैसे मानना पड़ेगा पापा, आप श्रुति सही कह रही थी, नौकरों की जगह मालिक के चरणों में होती है। और वैसे भी जो रेवा ने हमारे साथ किया है उसके बाद उसका हमारे घर में रहना ठीक नहीं होगा। हमारा घर, कहना क्या चाहती हो? ये मेरा घर है, मेरा घर, मेरा बिजनेस, समझ रही हो ना तुम? एक बताओ, बिजनेस के मामले में आपको हमारी सुननी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, एक तरफ हमारे गर्व भैया जैसी ग्रेट पर्सनालिटी और एक तरफ मर्डरर। हेलो, ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 11 बजे। रेवा, रेवा मेरी बेटी की तरह है और अब से ये यही रहेगी। तब तक जब तक मैं इसके पति को ढूंढ नहीं लेता। इसने पापा को सब बता तो नहीं दिया? मैं भी देखती हूं कि तुम इस घर में कितने दिन और टिकती हो। ओ ले 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 ले। अपने पापा की बिटिया बन रही है? तेरी असली औकात क्या है इस घर में, मैं बताऊंगी तुझे। वैसे शर्म बरम नाम की एक चीज होती है, पता है? कैसे पता होगा? धक्के मार के घर से बाहर निकाला तो और तुम चिड़िया की तरह फुदुक फुदुक के वापस आ गई। हाँ,
तुम्हारी बेइज्जती में ना थोड़ी सी कमी रह गई, पर कोई ना इस बार पूरी कर देंगे। कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने मेरी बेइज्जती करने में। उनको उनको चाहिए भले मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन रेवा इस घर से नहीं जानी चाहिए, है ना? तभी तो अपनी बहू की बेइज्जती करी उन्होंने सबके सामने। राज, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राज, तुम्हें कुछ करना होगा। उस रेवा को इस घर से बाहर निकालना होगा। हटाओ उसे। रिलैक्स श्रुति, हम बहुत जल्द उस रेवा को घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन कब दिखाएंगे, कब? राज, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। मेरी नजर में ना चुभती है वो, मुझे बर्दाश्त नहीं है वो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है राज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें मैं कुछ कर लूंगी। मुझे श्रुति, श्रुति क्या कर रही है यार, छोड़ना इसको। बेशरम होने के साथ साथ ना अंधी भी हो गई हो तुम, इसीलिए तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे घर के रिश्तों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। उप्स, सॉरी। रिश्ता किस चिड़िया का नाम है पता है ना? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो परिवार और रिश्तों के बीच पली बड़ी नहीं हो, है ना रे वो? नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। असली रिश्ते निभाना तो आप ही जानती हैं। और उसका एक नमूना तो हमने कल सड़क पर देख भी लिया कि कैसे आप अपने पापा को गाड़ी से कुचलने वाली थी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वही जो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अंकल जी को बचाने वाले हम ही थे। आपको क्या लगता है कश्मीरा दी कि आप इतना बड़ा गुनाह करके बिना किसी की नजरों में आए निकल जाएंगी? हाँ, कांटे की तरह चुभती है वो मेरे गले में। खून खौल उठता है मेरा जब मैं उसे तुम्हारे करीब देखती हूँ। मेरी बेइज्जती से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पति हो तुम मेरे। अब तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुमने उसको इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं उसको खत्म कर दूंगी। खत्म कर दूंगी मैं उसे। फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी जाएगी इस घर से। फिर मुझे मत बोलना, सुन रहे हो ना तुम राज? ठीक है, बचाई होगी उसने मेरी जान, बचाई होगी, पर मैंने भी ना बहुत कुछ किया है उसके लिए। और अब बस बस हो गया है। तुम ये डिसाइड करो कि या तो वो रहेगी इस घर में या तो मैं। सच बताइए कश्मीरा दीदी, अगर आप सच में उन्हें अपना पापा मानती तो क्या आपका दिल गवारा हो जाता उन्हें कुचलने के लिए? कभी नहीं। सच तो ये है कि आपका दिल पत्थर का है और वो आपके सौतेले पापा है। और हमरी ये बात कान खोल कर सुन लीजिए। हम चुप हैं क्योंकि हमने अंकल जी को वचन दिया है, और हमें एक मिनट नहीं लगेगा सबको बुलाकर नया तमाशा खड़ा करने में। इसे आप हमरी धमकी समझिए। जय महाकाल। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या उसके साथ?
बेवकूफी मत कर श्रुति। मैं कोई बेवकूफी नहीं कर रही हूँ। तुम उसे इस घर से बाहर निकालोगे या नहीं? बोलो तुम इसे। तू पहले मुझे चाकू दे। तुम उसे इस घर से बाहर निकालोगे या नहीं? बेवकूफी मत कर, पागल हो गई है क्या? हो गई हूँ मैं पागल। उसे वो नहीं बर्दाश्त हो रही है। तुम मुझ पर भरोसा रख श्रुति, हाँ? वो बहुत जल्दी इस घर से जाएगी। अभी अभी तू अपना मूड ठीक कर, हाँ? मुझे तेरे को ऐसे नहीं देखना। चल थोड़ा हंस दे, हंस दे, हंसना। मत कर, मत करो राज। क्या बात है, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। मैं समझ सकती हूँ, कल से घर का माहौल कुछ अजीब हो गया था, लेकिन तुम दोनों को ऐसे देख के सुकून मिला मेरे दिल को। वैसे एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? तुम दोनों के लिए रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है। सो राज श्रुति को डेट पे लेके जाएगा। थैंक यू कश्मीरा दी, थैंक यू सो मच। मेरी दीमा बेस्ट। अच्छा जी। खुश? बहुत। थैंक यू सो मच। इस घर में रेवा को उसकी हैसियत याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। रेवा, जी श्रुति दीदी, वो मैं और राज आज डिनर पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें बोल दूं गाड़ी साफ करने के लिए। कर दोगी ना साफ? अच्छे से साफ करना। और उसका एक नमूना तो हमने कल सड़क पर देख भी लिया है। कि कैसे आप अपने पापा को गाड़ी से कुचलने वाली थी, जो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अंकल जी को बचाने वाले हम ही थे। मैंने दिग्विजय की जान लेनी चाहिए, वो ये बात ऐसे किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि इस बात का अंजाम क्या होगा। तो खतरा मुझे मेरे परम पूज्य पिताजी से नहीं, उस सड़क छाप रेवा से है। अच्छी गाड़ी साफ कर लेती हो। चाबी? हाँ, चाबी को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। वेल थैंक यू। राज, Are you ready? चले थोड़ा।
सकते हैं आज? ये लोग कौन है? तू परेशान मत हो, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे बजट पे पैसा लगाते हैं। अरे आप सब एक साथ यहाँ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है राजवीर, इसलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। हमें आज ही पता चला है कि चौहान कंस्ट्रक्शन के जिस प्रोजेक्ट पे हमने पैसा लगाया था उसका टेंडर किसी और को मिला है। जी हाँ मिस्टर राजवीर, कश्मीरा जी ने तो जरूरी भी नहीं समझा कि हमें बता दें, इसलिए हम खुद आ गए अपना पैसा लेने के लिए। आई डोंट नो, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मार्केट में आपकी कंपनी के खिलाफ हवा उड़ी हुई है। चौहान कंस्ट्रक्शन कर्जे में डूब चुका है, इवन आपकी एसेट्स, आपकी संपत्तियां गिरवी रखी हुई है। हमें बस हमारे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। मेहता साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो इतने सालों से हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कभी नुकसान हुआ है आपको? हर बार उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट दिया है हमने आपको, और ये हवा में बनने वाली बातें तो होती ही रहती हैं। कॉम्पिटिटर्स के तरीके हैं हमारी मार्केट वैल्यू कम करने के, और आप इन सब बातों पे भरोसा भी कर रहे हैं। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, एक हफ्ते का समय दीजिए, आप सबको अपने पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो जैसा आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे। वाह मिस्टर राजवीर, गाड़ी बहुत चमक रही है आपकी। आई एम श्योर आपको बुरा नहीं लगेगा, मैं ये गाड़ी रख लेता हूँ और एक हफ्ते के बाद जब मेरी पेमेंट मिलेगी तो आप ये गाड़ी ले जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। साहब और उनका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ने वाला है।